गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज भी नींद थोड़ी जल्दी खुल गई। मैं जल्दी उठने वालों में नहीं हूँ और अब मेरी नींद कुछ दिन डिस्टर्ब ही रहेगी जब तक मैं वापस घूम टहल के आ नहीं जाती। तो बस मॉर्निंग की चाय आज की ले ली है। आज फटाफट जो भी है पैकिंग थोड़ी बहुत बची हुई है, बैग्स पैक करने हैं वो लगाने हैं। और कुछ ना, मैं इतनी दूर के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे आइटम्स बना के रखती हूँ कि मुझे बाहर से कुछ लेना ना पड़े, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी हैं और कहीं पे रुकना सेफ नहीं समझते हम। तो ऐसे तो नहीं था, कोरोना टाइम में ही ज़्यादा थोड़ा सा सेफ्टी लेके चल रहे हैं। तो मेरा आज का दिन पूरा किचन में बीतने वाला है। कुछ ना कुछ चीज़ें बना के मिस्टर हस्बैंड के लिए भी रखनी है, कुछ अपने लिए पैक भी करनी है। तो आज का दिन भी बहुत शेड्यूल टाइट है। तो आज का जो भी शूट कर पाऊँगी, अभी तो क्लास होने वाली है अबरू की, तो उनको जगाऊँगी, क्लास में बैठाऊँगी। अभी तो डेली रूटीन ही चलेगा और दोपहर में हाँ रेस्ट नहीं मिल पाएगा। कल तो बहुत रेस्ट कर लिया था, कल मैं सो ही गई थी। मैं 5 बजे सुबह की उठी थी, फिर ना मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। तो चलिए, अभी थोड़ी देर है, अभी टाइम है। तो चाय मैंने ले ली है और अब मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी और उसके बाद फिर किचन में लगूँगी और साथ साथ में अबरू की क्लास भी होगी। तो चलिए फिर, जो भी शूट करूँगी वो आपके पास जाएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, यहाँ पे बना रही हूँ मैं ओट्स। देखिए, नहीं ओट्स नहीं बना रही हूँ मैं कुछ आपको बना के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ओट्स को पहले कर रही हूँ ड्राई रोस्ट, जो सिंपल ओट्स आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमारा अभी डिनर हो चुका है, सुबह मुझे निकलना है, मुझे लेट ना हो, इसलिए चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, पैकिंग भी साइड बाई साइड चल ही रही है। लास्ट मोमेंट तक, जब तक आप निकल नहीं जाते हो ना, तब तक आपकी पैकिंग तो चलती रहती है। भाई मेरा तो यही हाल है, मेरी पैकिंग कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो चलिए, यहाँ पे हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी सूजी को ड्राई रोस्ट करें। तो इसमें हमने थोड़ा सा भी घी, ऑयल, ऑलिव ऑयल कुछ भी नहीं यूज़ किया है। और अभी हम सूजी भी इसमें ड्राई रोस्ट कर लेंगे, उसको हल्का ब्राउन करना है। ओट्स का कलर हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, नहीं फिर वो जलने सा लगेगा। और यहाँ पे हम पाक बना रहे हैं तो इसका शीरा बना लेते हैं। और उसके लिए हमने शुगर और चीनी को मिला लिया है, हम एक तार की चाशनी बनाएंगे। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके साथ में मैंने इसमें म्यूसली भी ऐड करी है। तो म्यूसली में कुछ फ्रूट्स के चंक्स और मेलन सीड हुआ, ये आपका सनफ्लावर सीड हुआ, थोड़े से ओट्स अरे फ्लैक्स सीड हुआ, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी सारी मिक्स आई हुई हैं। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए हो या इवनिंग टाइम में। तो मैं थोड़े से इस तरह से इसके छोटे छोटे बार्स बनाकर रख रही हूँ जो कि खाने में अच्छा लगे। और मिस्टर हस्बैंड को थोड़ा सा मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी वो चाहें छोटा सा एनर्जी बूस्टर मिल जाए, क्योंकि बाहर की चीज़ें वो अवॉइड करते हैं, खाना नहीं चाहते। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो बाहर की चीज़ें खाएं। और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो भी आप डालना चाहें, साथ में थोड़ी सी मैंने डाली इसमें इलायची पाउडर और बहुत थोड़े से रेजिन्स। तो इनको काटने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे खड़े डाल दें।
ये बाइट्स में जब आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको अब हम जमा देंगे और ये बहुत अच्छे बने थे गाइस, ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो अब्रू, कहाँ जा रहे हैं? लौंबा जा रहे हैं और लोग क्यों ले हैं? देखिए अब्रू रो रहे हैं और पापा के ऊपर और मम्मा के ऊपर नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि इन्हें पापा को छोड़ के नहीं जाना है। लो, अगली बार से पापा नहीं आए तो पापा की हजामत बन जाएगी। पापा को आना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं जाएंगे कहीं भी। ओके, आप मत दो। अर्श, शक्ल दिखाओ, क्या रो रहे हो? नहीं भैया, मैं चोटी ले वाली हूँ ना, बड़े हो गए अब रो नहीं सकते। तो हम लोग निकलने वाले थे कितने बजे? 5:30 से 6 के बीच में, और हम सो के उठे हैं 5:30 बजे और हम निकले हैं 8 बजे। तो हमें लगभग 10 मिनट हो गया है घर से निकले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे मिलूंगी मैं इलाहाबाद में। और बीच में कुछ रास्ते के सीन शूट किए थे, ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी सारा सीन दिखाया हुआ था आप लोगों को। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार है निशाज रेनबो पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।